पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है। 71 पाकिस्तान को दोलख किया गया, ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। यू मे बी सुनहरा, यू मे बी लेडी, व्हाटएवर यू आर, आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पिछले दिनों पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने भारतीय पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मोईद यूसुफ ने ये बात कहकर अपनी जनता को बेवकूफ बना दिया। भारत के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान से भारत ने कभी भी बातचीत की पेशकश नहीं की है। ये NSA सफ़ेद झूठ बोल रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय बयान की तस्दीक कर दी कि भारत ने कभी भी बातचीत की पेशकश नहीं की। मोईद यूसुफ का ये झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि मोईद यूसुफ ने बाकी बातें भी झूठ ही कही होगी। आज की वीडियो में ज़रिया आबारिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा। So guys, let's start this very interesting video. बात करते हैं उस इंटरव्यू के हवाले से जो कि डॉक्टर मोईद यूसुफ की जानिब से दिया गया एक भारतीय चैनल को, भारतीय सहाफी को। नासिर बे चुगताई साहब, बताएगा कोई है पेशरफ्त मुमकिन आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निमट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात, अच्छी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इतला है कि 26 अक्टूबर 2018 में USA और UNO ने कहा था कि भाई बातचीत करो, उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी रब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ, जब वो बतौर वजीर खारजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है, वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है, वो रोज़ाना LOC पर फायरिंग कर रहा है, हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई असिस्ट नहीं आया। अमरीका ने कहा होगा भाई आप बात कर लें, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हिकारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है। 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुजाकरात के लिए। सही, आप ये कह रहे हैं कि भारत की मुजाकरात के हवाले से इस किस्म की कोई बात आपको सच होती दिखाई नहीं दे रही, तो पेशरफ बहुत दूर की बात है, वो आगे का मामला है। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये सवाल मेरा आपके साथ है, बताइएगा ये पेशरफ सामने आई कि मुजाकरात हों, फिर मशरूत आमाद की जाहिर की गई और वो 5 पॉइंट्स में मैंने गिनवा दी कि किस किस पर बात की जानी चाहिए, अगर ये पॉइंट्स हम मंजर आम पर रखें तो इसके बाद पेशरफ कोई पॉसिबल है कि कुछ आगे किया जाएगा, कुछ बढ़ेगा मजीद? देखिए मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए जिस पेशकश की हम बात कर रहे हैं या कुछ हम कह रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के दाएं बाएं से फील शीलर आते रहते हैं, उनका कोई इतनी बड़ी इसका मतलब कुछ नहीं होता। उसके बाद से जब भी हमने मुजाकरात किए हैं भारत के साथ, हमेशा हमें उसका कोई फायदा तो बड़ी दूर की बात है, अलबत्त थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। आप शिमला माहदे को ले लीजिए, बहुत देर तक तो हमारी जो उस वक्त की हुकूमत थी, बात की हुकूमतें थी, वो इस बात को भारत की मानने को मान चुकी थी कि ये हमारा, अब हम कश्मीर को किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा नहीं सकते। हालांकि मुआहदा बड़ा क्लियर था कि इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ बांधे रखे। उसके बाद से अब तक खैर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है? देखिए भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है?
और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मस्जिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह मेरी जुबान जल्द बात करते हुए लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि 71 पाकिस्तान को दोलख किया गया, ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। जो इतलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, उस इंडिया को टोटली बैक कर रहा है, बरतानिया, फ्रांस, अमरीका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं, और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है, हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरा हमारा जो मीडिया है वो इससे बाखबर नहीं है। खार साहब आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा, अभी जुनैरा ने भी यही कहा कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है भारत पर, इसलिए उसने इस किस्म का कोई बयान दे भी दिया होगा, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके बाद उसी के दिए गए बयान के बाद कोई पेशेंस की कोई है आपको इम्कान, कोई आमादगी कुछ कुछ के कुछ हो जाएगा? जो रैफ, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पर बताया करें, दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में ये छप गया, रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता। सर, यू आर मिस कोटिंग इट, यू आर मिस अंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन, I am not talking. Well, I am talking to you because you are commenting on me. Point आपका आगे ना, जुनैरा साहब आप जो कमेंट कर सकते हो कमेंट क्लियर ले लेने दीजिए। I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I'm not talking to you either. जुनैरा साहबा, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, तखार साहब आप भी मेरे लिए मोहतरम है। यू बेटर लर्न हाउ टू टॉक टू अ लेडी। जुनैरा साहबा कोऑपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया। तखार साहब प्लीज, नो प्लीज, टेल योर गेस्ट हाउ टू टॉक टू अ लेडी। ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टर में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के, किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को उसमें क्या कहते हैं। 370 जिस दिन आया दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। जमील साहब कहाँ है हमारी सफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू, उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स इनफ इज इनफ। मुझे वो रिसाले को रेफर किया जा रहा था, 10 सितंबर का अमरीका और भारत का ज्वाइंट कम्युनिक पढ़ लें। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका इलामिया जारी किया है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है कि रिसाले को देखें या मुश्तरका इलामियों को देखें, भारत और अमेरिका के, समझ आ जाएगी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है।